प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत। बच्चे की मौत से अस्पताल में मचा हड़कंप। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 4 साल का था मासूम बच्चा। बच्चे की मां ने हॉस्पिटल पर लगाए लापरवाही के आरोप। थाना फाफामऊ इलाके के शांतिपुरम प्राची हॉस्पिटल का मामला, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत। बच्चे की मौत से अस्पताल में मचा हड़कंप। 4 साल का था मासूम बच्चा। बच्चे की मां ने हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगाए। थाना फाफामऊ इलाके के शांतिपुरम प्राची हॉस्पिटल का मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ेंगे। पवन, हॉस्पिटल की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये पूरा मामला प्रयागराज के फाफामऊ इलाके का है, जहाँ पे शांतिपुरम एक स्थान है, वहाँ पे प्राची हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल है। वहाँ पे आज एक महिला अपने बच्चे को, 4 साल के बच्चे को लेकर गई थी और वहाँ पे अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। महिला के मुताबिक बच्चे को वहाँ एडमिट नहीं किया गया और वहाँ पे उसको किसी भी तरह की इलाज नहीं मिली और इस दौरान बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है, ये बहुत बड़ा सवाल को खड़ा करती है कि किस तरीके से आज प्रयागराज में एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। हालांकि ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये जो वीडियो है एक चर्चा का विषय है और एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा कर रहा है। जी मयूरी जी, पवन, अभी बहुत बड़ा मामला है, लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है, तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस पूरे मामले पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि ये जो मामला है वो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है पूरा वीडियो, और वीडियो में भी दिख रहा है कि एक महिला अपने 4 साल के बच्चे को गोद में लेके रो रही है। अब महिला ने बताया कि जब वो पहुंची अस्पताल के गेट पर, तो वहां पर उसको जो है अस्पताल में बच्चे को एडमिट नहीं किया गया, उसको किसी भी तरह की इलाज की सुविधा नहीं मिली, इससे बच्चे की मौत हुई है। आला अधिकारी अभी इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं कि अभी तक इस तरह की कोई भी चीजें सार्वजनिक नहीं हुई है कि अस्पताल के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा कर रही है कि एक मासूम बच्चे की जान चली जाती है बिना इलाज के, तो इसमें डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे पर किया गया धारदार हथियार से हमला। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने रोड पर जमकर हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे मौजूद। रोड पर लगा भीषण जाम। मौके पर सीओ समेत कई थानों की पुलिस मौजूद है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दरपीपुर का मामला बताया जा रहा है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद यादव हमसे जुड़ेंगे। अरविंद, ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, क्या वजह है हमला करने की, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि ये मामला अमेठी के, ये मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर कल
एक युवक बाल कटवाने जा रहा था, ऐसे में युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। मामूली से बात विवाद को लेकर के और जहां पर मौके पर राज्य मंत्री मयंक शरण सिंह ने परिजनों से मुलाकात की है, ऐसे में पीड़ित परिवार जो शव को के अंतिम दाह संस्कार करने को लेकर राजी नहीं थे। काफी मान मनोबल के तहत राज्य मंत्री के द्वारा कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बावजूद जब परिवार वालों को पूरी तरीके से आश्वस्त कराया तो ऐसे में परिजन जो है अंतिम शव को दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए। पीड़ित परिजनों ने मांग जो की है सरकारी नौकरी की, लाइसेंस की, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, रात हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को उठाया पीड़ित परिवार ने। जी मैं जी धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारियों के लिए। कुछ